अब वे ध्यान लगाए रहे तो ने मेरे कहने की पापा बे कमाई के तब तो धरे जा तो फिर मैं कितने रुपया छोड़े जा तो सब मतलब के साथ ही है स्वार्थ लागी और करे सब प्रीति सुर नर मुने सब की रीति। सिकंदर रोते रोते सिकंदर का प्राणांत हो गया। तब सिकंदर मारा गया। सिकंदर ने कहा मरते वक्त पांच बेटा ने कहा कि मैं मर जाऊं तो मेरी अर्थी लेकर के जाना और अर्थी से मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना। क्यों? क्योंकि मैं कुछ ले नहीं जा रहा हूं। जब मैंने धन इकट्ठा किया है तो हम नहीं ले जा सकते तो दुनिया में कोई ले जाने वाला नहीं है। प्राणांत हुआ, अर्थी बनाई, गलियाड़े में लेके जा रहे। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। और जो गलियारे में अर्थी जा रही लोग अन्य देख रहे, भैया मत मर गो तो पैसा मांगत जा रहे हो, हाथ फैलाएगा। लेकिन ये नहीं था निर्देश उसका। वो कहता था कि मैं खाली हाथ आया और खाली हाथ ही जा रहा हूं। जो गलती मैंने की है दुनिया में वो गलती कोई नहीं करे। सिकंदर जितनी गलती कर गया समाज को दे गया, कोई धन इकट्ठा मत करना, बड़े माल खाने के गड़े रह गए। जिंदगी में हजारों का मेला लगा और हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। ना वो राजा रहे ना वो रानी रही, कहने सुनने को केवल कहानी रही। वस्तुएं अनेकों आती जाती रही और ना बुढ़ापा रहा और ना जवानी रही। सिकंदर इधर सुखदेव मुनि समझा रहे हैं राजन परिचित, इसलिए तुम रो नहीं के जिना पे करत पकेरू छाई और सो नहीं अमर वे दुनिया।
इसलिए हमेशा परमात्मा में लीन रहना। समय के अभाव से दो शब्दों में समझ लो, तुम तो एक मानव हो। एक हाथी ने भगवान को पुकारा था। भागवत के अष्टम स्कंद में द्वितीय अध्याय में गज और गिरा की कथा आती है। आसीत गिरवरो राजे त्रिकुटे इत विस्तृता शीरो देवा श्रीमान योजना इतो मिस्त्रता। त्रकूट नाम के पर्वत पर एक हाथी निवास करता था। सरोवर बगल में ही था, जल पीता था। 10,000 हाथियों की शक्ति थी उसके अंदर। जब चलता था तो वृक्षों को उखाड़ के चलता था। कोई जीव मिल जाए तो पैर से कुचल देता था। अहंकारी राजा घमंडी हाथी भगवान का भोजन किया है, बताओ। अहंकार भगवान को कहते हैं गर्वहारी। जाने पियो गरूर भयो चूर। सुनो मेरे भाई, अब हाथी चलो वृक्षों को तोड़ता हुआ, पशुओं को मारते हुए, और जल पीने लगा। परिवार के लोग बोले भैया भीतर मत जाइए। बोले और का तू तो जी सोच रहे हो डूब जाएंगे। परिवार की बात नहीं मानता। जो व्यक्ति अत्याचार जाए घमंड हो जाए ना, फिर परिवार वाले रोके तो वो रुक तो ना। भीतर धस गया, जल पीने लगा। खुद पिए सूर से जल भरे, कोई पत्नी इन पे फेंके, खुद पिए बच्चन पे फेंके, खुद पिए। सूर पटकने लगा। जब सूर पटकने लगा तो उसमें रहने वाला गिरा आवाज सुन के बाहर आया। विशाल हाथी का पैर पकड़ लिया। सोचा कोई होगा छोटा सा जानवर, झटका मारूंगा बाहर चला जाऊंगा। पीता रहा सूर, पटकता रहा। परिवार के बोले भैया नायलो हो तो चलो। बोले निकलो तुम। परिवार के लोग निकले और जाने जैसे तागल लगाई तो पैर नहीं हिला। फिर जाने पूरी ताकत लगा दी। भाइयों 20 कदम आगे खींच करके लाता है। इधर गिरा ने तागल लगाई, 40 कदम अंदर ले जाता है। वो 20 कदम बाहर की तरफ, 40 कदम अंदर की तरफ। हर बार 20 कदम अंदर की तरफ जा रहा है, सारा शरीर डूब गया। वैसे हाथी में ताकत तो बहुत थी, अंतर काय का हो गया, स्थान का अंतर हो गया।